नहीं बल्कि चंपारण में भी गंडक और मसा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वाल्मीकि नगर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद बराज के सभी फाटकों को खोल दिया गया, साथ ही 2,67,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही भागलपुर के नवगछुआ इलाके में भी कोसी का कहर टूटा है। चंपारण में गंडक का जल स्तर बढ़ा, बैराज के सभी 36 फाटक खोले गए। भागलपुर में कोसी का टूटा कहर। नेपाल की तराई इलाके में भारी बारिश के बाद गंडक और मसान नदी उफनाई हुई है। चंपारण में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंडक के साथ मसान के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। आलम यह है कि मसान नदी किनारा छोड़कर गांवों की ओर मुड़ने लगी है। कई गांवों पर तो कब्जा जमा लिया है। हालात को इसी से समझा जा सकता है कि वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से कुल 2.67 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। फिलहाल गंडक और मसान नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद खतरा होने की बात कर रहा है। बगहा के नीचे इलाकों में खासकर दियारा में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जो कुशीनगर और गोपालगंज की ओर खतरा पैदा कर सकता है। अभी फिलहाल इस पानी से कोई खतरा नहीं है। चारों तरफ नोज बनाए गए हैं, पूरा बोरे वोरे गिराए गए हैं, प्रशासन तरफ से व्यवस्था किया गया है। अभी खतरे से खाली है, नदी का कोई विशेष प्रेशर यहाँ पे नहीं है। बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए नदी किनारे पत्थरों को लोहे की जालियों में फंसा कर नोज बनाया गया है। इसके अलावा बालू की बोरियां भारी मात्रा में स्टॉक किया गया है ताकि किसी आपातकाल से निपटा जा सके। किसी भी इमरजेंसी को लेके वहाँ पे रिजर्व में और भी बैग्स हैं। दूसरा जो जगह है जहाँ पे इश्यूज आते हैं वो जारमुई पंचायत है, वहाँ पे भी एक तरफ बांध बन गया है और दूसरी तरफ इसी बैग का भंडारण किया गया है और किसी भी आपातकाल के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहाँ तक गंडक नदी की बात है वो अभी खतरे के निशान से नीचे से बह रही है। वहीं भागलपुर के नवगछिया में कोसी ने कहर बरपा रखा है। कई गाँव के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। आलम यह है कि दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना की टंकी कोसी में समा चुकी है। वहीं गांव के लोग खुद अपना घर तोड़कर एक एक ईंट बचाने में जुटे हैं। चल के टाइम में कटा प्रणाम करते हैं। अभी पते में है कहाँ है, नहीं डूब जाओ कि मर जाओ, कोई मतलब नहीं। उसमें देखिए वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी छोटे सब बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने एसेस भी किया था कि किस तरह से काम कराया जाए, तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कम से कम कटाव हो। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार से गुजरने वाली नदियों पर हुआ है। गंडक से लेकर कोसी तक बौखलाई हुई है, किनारा तोड़ने पर आमादा है। चंपारण में गंडक और मसान ने तांडव मचा रखा है, तो भागलपुर में कोसी का कहर टूटा है। रिपोर्ट जी मीडिया। नेपाल से आने वाली परमान नदी फारबिस